क्या कृषि और पशुपालन पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कृषि को सबसे उत्तम माना जाता था, कहावत थी उत्तम खेती मध्यम व्यापार निम्न नौकरी, लेकिन अब उल्टा हो गया है। सभापति महोदय जी, किसान खेती को छोड़ रहे हैं। मैं मेरे क्षेत्र पाली जालौर और सिरोही की बात करूं, तो वहाँ सबसे कम बरसात होती है और किसान परिवार खेती को छोड़ करके अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। मारवाड़ के किसानों की जीवन रेखा कहे जाने वाले जवाई बांध पर किसानों का जीवन निर्भर है। इस बांध से पाली व जालौर जिले के 57 गांवों के किसानों की 38,670 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। यह बांध बरसात आधारित बांध है, 10 वर्ष में एक बार भरता है, ज़्यादातर खाली रहता है। मैं सभापति महोदय सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक किसानों के लिए उपयोगी बांध है और यह ज़्यादातर खाली रहता है, तो वहाँ के जो क्षेत्र के किसान हैं, कमांड क्षेत्र के किसान, उनकी फसल व उपज हो नहीं पाती और ज़्यादातर वो किसान खेती नहीं होने से बेरोजगार हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं और दूसरे प्रदेशों में जाकर बसते हैं। 2017-18 में पिछली सरकार ने जवाई बांध पुनर्वण योजना बनाई थी और साबरमती बेसिन का अधिशेष जल जो गुजरात बहकर व्यर्थ जा रहा था, उस पानी को जवाई बांध में लाने के लिए जवाई पुनर्वण योजना बनाई थी, जिसकी लागत 6,500 करोड़ थी और वहाँ से सुरंग और पाइपलाइन के माध्यम से जवाई बांध में पानी लाना था। लेकिन सरकार बदल गई और वर्तमान सरकार ने वो योजना ठंडे बस्ते में डाल दी है। मैं सभापति महोदय जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों की जीवन रेखा, मारवाड़ क्षेत्र की जीवन रेखा जवाई बांध के उस पुनर्वण योजना को त्वरित गति से लागू किया जाए और निश्चित रूप से वो सिर्फ सुमेरपुर को ही फायदा नहीं होगा, पाली जालौर और सिरोही के सभी किसानों को फायदा होगा। एक निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि जवाई बांध से पानी ले जाने की खूब सारी योजनाएं बन रही है। पहले भी 4 योजनाएं बनी, अभी भी ये संयम जी ने एक योजना और बना दी, एकुतर गाँवों को शिवगंज को पानी देने के लिए। तो पानी ले जाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप योजना बनाओ, लेकिन पहले पानी लाने की योजना तो बनाओ। वहाँ किसान मृत अवस्था में है, किसानों की स्थिति खराब हो रही है और मैं निवेदन करना चाहता हूँ पहले जवाई में पानी लाने की योजना बनाओ, जवाई में पानी लाओ और फिर ले जाने की योजना बनाओ, तो कोई तकलीफ नहीं है। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं सभापति महोदय जी आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ, सही बांध के सुरंग को चौड़ी करने के लिए पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा अभी पूरी नहीं हुई है और अभी तक वो उसके ऊपर टेंडर भी नहीं हुए और किसी तरह का काम चालू नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को निर्देशित करे कि वो उस योजना पर काम करना चालू करे और किसानों के लिए वो योजना फायदेमंद है। मैं सभापति महोदय जी, मेरे सुमेरपुर कृषि मंडी की बात करूँ तो सुमेरपुर कृषि मंडी की DLC दरें राजस्थान के अन्य मंडियों से ज़्यादा है और उस कृषि मंडी के बाहर जो क्षेत्र है, सामने वाला क्षेत्र, वहाँ जो कॉमर्शियल क्षेत्र है, वहाँ की DLC भी 900 से 1200 वर्ग फीट है और सुमेरपुर मंडी परिसर के अंदर 4800 वर्ग फीट है। तो वहाँ के किसान और व्यापारी जब दुकानों का क्रय विक्रय करते हैं तो वो रजिस्ट्रिया नहीं करवा करके, पंजीयन नहीं करवा करके एग्रीमेंट पर ही वो दुकानों का क्रय विक्रय करते हैं, जिससे राज्य सरकार की राजस्व हानि होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी मंडियों से की समानांतर दरों पर सुमेरपुर कृषि मंडी की DLC दरें तय करें और जो अभी वर्तमान में ज़्यादा है उसे कम करने का श्रम करावे। यह निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं पशुपालन की बात करूँ
तो मेरे पाली जालौर सुरई क्षेत्र में हमेशा ज़्यादातर अकाल पड़ता रहता है और वहाँ के पशुपालकों को ज़्यादातर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। वहाँ के रहबारी समाज और अन्य जातियों के पशुपालक एमपी में धार, झोबुआ, नीमच, मंदसौर, रतलाम और अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पशुपालकों के ऊपर कई तरह के हमले होते हैं। वहाँ के डेरों पर उनके साथ मारपीट होती है, उनके जो पशु भेड़ बकरियाँ उठा करके लोग वहाँ के शक्तिशाली लोग हैं वो ले जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि उन पशुपालकों को लाइट वेट बंदूक का लाइसेंस और अन्य जो हथियारों के लाइसेंस दिए जाए जिससे वो अपनी आत्मरक्षा कर सके और वहाँ जा करके अपना जीवन निर्भर कर सके। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं सभापति महोदय जी एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में अभी वर्तमान में 14 पशु चिकित्सकों के पद रिक्त है और जो बजट में पिछले साल घोषणा की थी सरकार ने प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक पशु चिकित्सालय खोलने की, तो वो पशु चिकित्सालय भी अभी तक एक भी नहीं खुला है। मैं आपसे आपके मार्फत सरकार से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी खोलने की व्यवस्था करें। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।